हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग हब। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ रिच एंड क्रीमी परवल कोरमा की रेसिपी। इस सब्जी को जब आप बनाएंगे और पूरी पराठा के साथ खाएंगे तो आप यही सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं बनाया था। तो आइए इस रेसिपी को बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बनाते हैं। परवल कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम परवल लिया है और उससे पहले मैंने छील लिया था और फिर इसे धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया है और अभी मैं इसे कट लगा रही हूँ। तो हमें इसे ऐसे कट करना है, बट पूरा दो भागों में नहीं कट करना है, हाफ से ज़्यादा कट करना है। ये देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने सारे परवल को कट कर लिया है। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज का टमाटर और एक बड़े साइज का प्याज। तो यहाँ पे मैंने पहले प्याज को पीस लिया है और उसके बाद हम लोग टमाटर को भी पीस लेंगे। तो हम लोग दोनों चीज़ों को अलग अलग पीस लेंगे। और यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं और एक बड़ा चम्मच पोस्ता दाना लिया है, जिसे मैंने पानी में डाल दिया था आधे घंटे पहले भीगने के लिए, और इसका भी एक पेस्ट बना लिया है। और अभी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच सरसों तेल। आप जो भी तेल यूज करते हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे परवल को डाल दिया है और हमें इसे फ्राई करना है। तो परवल को आप लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परवल कितने अच्छे से भुन रही है। और आप इसे ढक ढक के भी भुनें ताकि ये अच्छे से पक भी जाए। और यहाँ पे परवल थोड़ी सी भुन चुकी है, तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच नमक। तो अभी इन दोनों चीज़ों को डाल के हम फ्राई करेंगे ताकि परवल और अच्छे से पक जाए और इसमें जो कलर आए वो बहुत अच्छा आएगा। और जब हम लोग सब्जी बनाएंगे तो उससे आपको लगेगा कि जैसे ये ढाबे या फिर आपको जो रेस्टोरेंट में कलर होता है वो आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो हल्दी नमक डालने के बाद भी मैंने इसे ढक ढक के भुना है और आप देख सकते हैं कि ये परवल अच्छे से पक चुकी है, लगभग पक चुकी है और भुन भी चुकी है। तो हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि कढ़ाही में तेल है, तो 3 चम्मच थे तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच और ऐड किया है। और अभी मैंने थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, तो मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता लिया है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डाल के हम तेल में थोड़ा सा पका लेंगे। और अभी हमने जो टमाटर पीस के रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मिर्ची हम लोग तेल में डालते हैं और उसके बाद जब टमाटर डालते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और अभी मैंने यहाँ पे प्याज को भी ऐड कर दिया है और अभी हम लोग इसे अच्छे से भुनेंगे। तो इसे हम लोग ढक ढक के भुनेंगे क्योंकि इसके छींटे भी बाहर आते हैं फ्रेंड। तो आप इसे ढक ढक के भुनें और आप देख सकते हैं कि जब आप इसे ढक ढक के भुनेंगे तो इसके ऊपर तेल आ जाएगा धीरे धीरे, और ढक के भुनने से बहुत अच्छे से मसाला भुनता है फ्रेंड। तो आप ज़रूर ढक के भुनें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी भून चुकी है, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, नमक हमने पहले भी ऐड किया है फ्रेंड, और लहसुन पेस्ट मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ अदरक ग्रेट किया हुआ। तो पहले हमने प्याज और टमाटर की भुनाई की थी, अभी हम लोगों को ये सारी चीज़ों को अच्छे से भुनना है जब हमने मसाला ऐड कर दिया है। तो आप इसे फिर से ढक ढक के भुनें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भुन रही है। तो थोड़ी सी भुन गई थी, तो हमने जो यहाँ पे काजू और पोस्ते दाने का पेस्ट बनाया था उसे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके हम लोग भूनते रहेंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो काजू का पेस्ट डाला है उससे जो हमारी सब्जी बनेगी वो बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो इसे हम मैंने ढक ढक के भून लिया है और आप देख सकते हैं मसाले का कलर बहुत अच्छा हो चुका है और ये बहुत अच्छे से भून चुकी है। तो इस टाइम पे हम लोग परवल ऐड कर देंगे और इसे डाल के हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे। और इसे आप थोड़ा सा ढक के भून लें ताकि परवल के अंदर भी मसाले बहुत अच्छे से चले जाएं। और मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट परवल और मसाले को साथ में भून लिया था और अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि परवल हमारे अच्छे से पक चुकी है और मसाले भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पका लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा परवल कोरमा पूरी तरह से रेडी है। तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। और बस इसे हमें मिक्स कर देना है और ये हमारा परवल कोरमा पूरी तरह से रेडी है। और आप इसे देख के समझ ही सकते हैं कि ये कितना टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये परवल कोरमा की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।